नमस्कार, आप देख रहे अपने क्षेत्र का लोकप्रिय चैनल अरुणोदय समाचार। तीर्थधाम बटेश्वर में वर्षों से चली आ रही कल्याणपुर भरतार को जोड़ने वाला पेंटून पुल की मांग। आज शुक्रवार को पेंटून पुल का उद्घाटन बाह विधायिका पक्षालिका सिंह ने भूमि पूजन कर किया। भरतार कल्याणपुर गांव के लोगों ने बाह विधायक का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भरतार प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी, अभिनेता नारायण सिंह भदौरिया, बटेश्वर प्रधान श्रीमती नेक्सी देवी, ब्लॉक प्रमुख लाल सिंह चौहान, मुन्ना लंबरदार, जिला पंचायत सदस्य महेश कठेरिया, शिव कुमार शर्मा, चेयरमैन सुनील गुप्ता, राम नरेश कठेरिया, अलकेंद्र पूर्व प्रधान रामवीर सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। बाह से आशीष यादव के साथ बबलू यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बबलू यादव और आप देख रहे हैं अरुणोदय समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं बटेश्वर में, जहां कल्याणपुर भरतार को लेकर एक बरसों से चली आ रही पेंटून पुल की मांग को आज पूरा किया गया है। आज बहा विधायक पक्षालिका सिंह ने अपने कर कमलों से उस पुल का उद्घाटन किया है, भूमि पूजन कर आज उनको कल्याणपुर भरतार वालों को एक सौगात दी है। से बात करेंगे और पूछेंगे आज की सौगात के बारे में। 1947 के बाद इस गांव ने कई आधे से ज़्यादा युवा सेना को दिए और कई लोग देश की सीमा में भरे, कई लोग भारतीय आंदोलन में स्वतंत्र संग्राम सेनानी हुए, मगर इस गांव को आज तक ये पुल क्यों नहीं मिला? अब मैं इसका जवाब आपको क्या दे सकती हूँ? आप इससे पहले विधायक रही है ना? नहीं, पहली बार विधायक बनी हूँ। आपने दिया है ना? ये बार बार हमारे सामने आता था कि गांव के लोग बहुत परेशान हैं और बहुत दूर से आना पड़ता है, करीबन 25-30 किलोमीटर लगते हैं पुल आने में। तो पूरा प्रयास हमारा लगा था इस पुल के लिए, पॉन्टून का पुल की ही बात करी थी, आगे इसको निर्माण करके पक्का पुल बनवाएंगे, लेकिन अभी जो पॉन्टून पुल बन रहा है ये बटेश्वर में, ये मेरे लिए और ये पूरे इस गांव सिर्फ के लिए नहीं, लेकिन ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा बड़ा गर्व का मौका है। उनके शुभारंभ पे आपको धन्यवाद देते हैं, मगर ये कहना चाहेंगे, इस गांव में कई लोग ऐसे थे जो इलाज के अभाव में मर गए। हाँ, इसलिए मर गए। देखिए ये ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मैं ये कहूँगी सिर्फ इस गांव से नहीं, पूरे बाह क्षेत्र से बहुत से लोग अपने सीमा पर लड़ रहे हैं, सेना में है, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। पिछले एयरफोर्स चीफ मार्शल जो थे वो भी कोरत से अपने ही यहाँ के रहने वाले थे, ब्रिगेडियर, तमाम ब्रिगेडियर यहाँ से हुए हैं। तो ये बात है कि हाँ, वीरों का तहसील हमेशा रहा है, ये भी गर्व की बात हमारी है। और जितना हम लोग कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी आई है, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को बार बार कहते हैं, हम लोग विकास करने आए हैं, विकास और विश्वास दोनों जनता को लेके आगे। इसके काम से संतुष्ट है। मेरा कहना यह है, 1947 से लेकर अब तक क्या देश और प्रशासन सो गया था इस गाँव के लिए? हर चीज़ के लिए मौका जब आता है तभी हो सकता है, और ऊपर वाले की भी कहा भी हम लोग कहा, इनका सौभाग्य है कि आपके कर कमलों से इस पुल का शुभारंभ हो रहा है। मेरा सौभाग्य, मैं विधायक हूँ, ये मैं बात नहीं कहूँगी, लेकिन का रूप कब दिया जाएगा? पूरी कोशिश करेंगे अगली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी को आप लोग यहां से जिता के भेजिए इस तहसील से, और पूरा कोशिश ये होगा कि ये पक्का पुल बने। मारानी बराबर आ रहा है पेंटिंग पुल पे, खर्चा कितना आ रहा है, कितनी लागत से बन रहा है? 35 लाख का आ रहा है, जो 354 लाख का पूरा आ रहा था, पर हमको लगता है विभाग कोशिश कर रही है कि उससे कम में ये पीपे बन जाएं, क्योंकि पीपे बनने वाली बात थी। और यहाँ कोई आगरा में है लोकली शायद जो पीपे करने के लिए तैयार है, तो जो लागत हम लोग सोच रहे हैं इतना लगे, शायद उससे कम में ये बन के जल्दी से जल्दी कब तक बन जाएगा?
देखिए मैं चाहती थी आचार संहिता लगने से पहले शुरुआत हो जाए, फिर तो ये बन जाएगा, एक महीने के अंदर पुल खुला आपको मिलना चाहिए और इसमें आवागमन होने लगेगा। पुल बनने से कितने गांवों का फायदा होगा? इस 20-25 गांव जो उस तरफ हैं उनको यहां से आने का करीबन 30-35 किलोमीटर दूरी इनकी कम हो जाएगी इस पुल के बनने से। थैंक यू कल्याणपुर के, आज आप यहाँ पेंटिंग पुल भी मंजूर हुआ है तो आपको क्या कहना है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हम सभी लोग ग्रामवासियों के लिए जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे और दीपोत्सव हुआ था पूरे अयोध्या में, उसी प्रकार से आज जैसे जो पुल बना है, उस पुल के बनने के बाद जो आज की हमारी हम सब लोगों की जो रात्रि होगी बहुत मंगलमय होगी, और हमारे लिए जैसे दीपावली का जो उत्सव आता है उसी प्रकार से आज हमारे दोनों गांव काफ़ी भावुक क्षण है हम लोगों के लिए। आप समझ सकते हैं कि जब अगर एक कोई महिला डिलीवरी पीरियड के टाइम पर जो एक लाश की तरह आती थी खटियों पर लटकर, वो क्षण कितने खतरनाक होते थे, बरसातों का समय हो चाहे सर्दियों का समय हो चाहे गर्मियों का समय हो। शिक्षा को लेकर, व्यापार से लेकर सारे नए आयाम ये भरतार कल्याणपुर यहाँ के सब लोग नए साथ मिलकर, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ का जो दूध का व्यापार था मूलतः सबसे बड़ी जड़ है हम ग्रामीण वासियों के लिए। दूध के व्यापार में एकदम उछाल आएगा क्योंकि ग्रामीण वासी कहीं ना कहीं कोई अहमदाबाद नौकरी करने जाता है, कोई दिल्ली नौकरी करने जाता है। मेरे ख्याल से ये नौकरी का जो और दूसरों की हम जो गुलामी करते थे अब वो सड़ा गया, हम आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे, स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएंगे, मान सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे, हमारा स्वयं का खुद का काम होगा सभी ग्रामवासियों का। और आप देख सकते हैं इस समय ग्रामवासियों में उत्साह है, आज हम लोगों के लिए पुनः ये दिवाली है और ये उत्सव है हम लोगों के लिए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास काट कर आए थे उसी से हम लोगों का भी वनवास कट चुका है, और ये देख रहे हैं कि ये पुल है, खेती देख रहे हैं हरी भरी भरतार कल्याणपुर की, ये खेती अब सोना उगलेगी आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग मूलतः हम लोग ये प्लानिंग ये है कि हम सरसों और गेहूँ और आलू अन्य इत्यादि खेती करते हैं, लेकिन मूलतः हम लोगों की प्लानिंग रहेगी कि जो सब्जियाँ हैं सब्जियों के माध्यम से भी हम व्यापार को बढ़ावा देंगे, अन्य अन्य प्रकार की जो मिट्टी चेक करवाएंगे हम लोग, जिससे आने जाने का साधन हो जाएगा। हमारे गाँव में जाने के लिए बटेश्वर जाने के लिए लगभग 1 घंटा लग जाता था, वहाँ पर जाने के लिए हमको लगभग 2 घंटे लग जाएगा, हम लोग 10 मिनट में बटेश्वर पहुँच जाया करेंगे और 20-25 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच जाया करेंगे। आप समझ सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को हारी तकलीफ कष्ट कोई होता है तो बहुत ही पीड़ा का समय होता है, उस पीड़ा का निराकरण मिल गया है और रानी भदावर ने आज हमको बहुत बड़ी सौगात दी है, और हम चाहते हैं कि निरंतर जिस प्रकार से हम लोगों का ध्येय है, अभी तो ये पुल है, मेरी आगे चल के पानी की टंकी की प्लानिंग है, मेरी यही हिसाब से बात हो चुकी है, बहुत जल्द भरतार कल्याणपुर के लिए पानी की टंकी घर घर नल पहुँचाने की जो प्लानिंग है वो, और लगभग 6 महीने में ये मेरी प्लानिंग है कि जो हमारे दोनों गांवों की लगभग 40-50% सड़कें हम उनके भी कार्य करने की योजना बना रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जिनको करते रहेंगे, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके यहाँ आपके यहाँ इस पुल से आपको क्या लाभ है? तो लाभ है इससे हम लोगों की जिंदगी बिल्कुल नई तरीके से हो गई इस पुल से। और क्या क्या लाभ होंगे इस पुल से? यहाँ से हमारा आज आवागमन, हमारी बहुएं बेटियाँ बच्चे जो पढ़ने लिखने जाते हैं उनके लिए रास्ता साफ हो गया। आप कितनी महसूस खुशी कर रहे हो आज? आज इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, खुशी के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, इतनी खुशी है हम लोगों को, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी खुशी है अभी तक की जिंदगी में हमारे लिए। मैं बटेश्वर से अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ बबलू यादव, अरुणोदय समाचार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।